यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार वोट दे रहे लोग, उन्होंने मध्य प्रदेश में तरक्की देखी है, पर सच क्या है? मध्य प्रदेश के युवाओं ने पिछले 18 से 20 साल में व्यापम घोटाले में 23 प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ नौजवानों के भविष्य को बर्बाद होते देखा। लाखों युवाओं ने पटवारी भर्ती परीक्षा में 15-15 लाख का पेपर बिकते देखा। डीमैट और नर्सिंग कॉलेज घोटाले में 3 साल से जहां पेपर नहीं हुए, अपना भविष्य बर्बाद होते देखा। शिक्षा की बर्बादी का यह मंजर भी देखा कि 18 साल के बाद भाजपा सरकार के शासन के 18 साल के बाद 26,000 सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश में बिजली का कनेक्शन नहीं, 29,000 स्कूल पर ही ताला लगा दिया, बंद हो गए, और 9 लाख विद्यार्थियों का एनरोलमेंट खत्म हो गया। 18 सालों में 19,000 बेरोजगारों और छात्राओं की आत्महत्या का मंजर देखा। मध्य प्रदेश में 18 से 23 साल के 70 लाख नौजवानों की बेरोजगारी देखी, और मध्य प्रदेश में 18 सालों में सबसे बड़ा SC ST OBC छात्रवृत्ति घोटाला देखा।